हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे ये महाराष्ट्रियन स्नैक बाकरवड़ी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक कप मैदा, और उसमें अब हम एक बड़ा चम्मच बेसन का आटा डालेंगे और थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डालेंगे। अजवाइन से बाकरवड़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और डाइजेस्ट होने में भी हेल्प होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालेंगे और यहाँ पर गर्म करके तेल डालेंगे। इसे अच्छा सा गर्म किया है, अब हम इसे गर्म है इसलिए शुरुआत में चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाद में ठंडा हो जाने के बाद हाथ से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ऑयल कितना डालना है तो ऐसे शेप होल्ड करके देखिए, अगर ये होल्ड कर पा रहा है तो इसका मतलब आपने ऑयल की क्वांटिटी सही डाली है। तो यहाँ पे अभी हमें सख्त आटा गूंद लेना है। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 बड़े चम्मच पानी डाला है। इसे पहले चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हाथ से अच्छे से नीड कर लेंगे। तो इतना पानी इसके मतलब इस मेजरमेंट के लिए इनफ है। इससे अच्छा सख्त आटा हम गून लेंगे। आटा गूनने के बाद अब हम इसे साइड में रख देंगे और अंदर का जो मसाला है स्टफिंग बना लेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच धनिया, हाफ चम्मच सौंफ और हाफ चम्मच जीरा लिया है। पहले इसे अच्छे से हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब इसमें से धीमी धीमी खुशबू आने लग जाएगी तब इसमें एक बड़ा चम्मच तिल ऐड कर देंगे और हाफ चम्मच यहाँ पे मैंने खसखस ऐड करी है। पौष्टिक का दाना या फिर अफीम के सूखे बीज, आपके लोकल्स में जो भी बोलते हैं वो, और उसे ड्राई रोस्ट करने के बाद यहाँ पे 3 बड़े चम्मच मैंने ड्राई कोकोनट डाला है, उसे अच्छे से ग्रेट कर लिया था। अब हम इसे गोल्डन कलर आने तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो हमारा मसाला अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो गैस की फ्लेम को स्टेज पे ऑफ कर देंगे और ये सारा सब कुछ मिक्सी में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इस मसाले में बाकी सूखे मसाले भी अभी हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, और घर पे जो बना हुआ गरम मसाला रहता है वो डाला है 1 चम्मच, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ी सी चीनी डाल देंगे, ताकि आपने कई बार मतलब बाहर की बाकरवड़ी खाई होगी तो उसमें खट्टा मीठा स्वाद रहता है। तो इसे मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मसाला स्टफिंग बनके रेडी है। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे और आटे को एक बबार अच्छे से नीड कर लेंगे और इसके 3 इक्वल पोर्शन कर लेंगे हम। मतलब इस क्वांटिटी से 15 से 20 बाकरवड़ी आराम से बन जाती है। तो उस हिसाब से आप आटे की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम इसे अच्छे से नीड कर लेंगे और इसकी राउंड रोटी बना लेंगे। तो इसे क्या करना है, हमें बीच में से थोड़ा सा पतला बेलना है और इसके जो किनारे हैं उससे हमें मोटा रखना है। तो ये मैदे की रोटी थोड़ी सी मतलब बेलने के बाद फिर से श्रिंक हो जाती है, तो इसे हमें अच्छे से बेल लेना है, ज़्यादा मोटी नहीं रखना है। जैसे मैंने बताया है उसी तरह से बेल लेना है। और रोटी तैयार होने के बाद अब हम इसमें अंदर से खट्टा मीठा लाने के लिए टैमरिंड की चटनी लगाएंगे। तो उसे कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता दूंगी। तो शुरुआत में आपको टैमरिंड का पल्प लेना है, उसमें थोड़ा सा कोरिएंडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के उसे मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है। और ये सब आपको टैमरिंड के पल्प में डाल देना है और आपकी टैमरिंड की खट्टी मीठी चटनी बनकर रेडी है। यहाँ पे आप इस चटनी में गुड़ भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मसालों में हमने पहले चीनी ऐड करी थी इसीलिए चटनी में आपका गुड़ मतलब ऐड नहीं किया तो भी चलेगा। तो इसे अच्छे से हम इवनली सभी तरफ स्प्रेड कर लेंगे, और चटनी लगाने के बाद जो मसाला हमने प्रिपेयर करके रखा था वो भी इवनली सभी तरफ हम लगा लेंगे। आप चाहे तो इसे एक बार बेलने से ऐसे बेल भी सकते हो ताकि इवनली सब जगह लग जाए, और फिर हम इसे ऐसे रोल रोल कर देंगे। तो रोल हमें बिल्कुल लूज़ नहीं करना है, एकदम टाइट से करना है, और टैमरिंड की चटनी की वजह से ये अच्छे से मतलब पक जाता है। अब हम इसे 1-1 इंच के साइज़ के पीसेस में कट कर लेंगे, और कट करने के बाद इसे बीच में से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, इस तरह से, ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो बाहर ना आ जाए फ्राई करते वक्त। तो इसी तरह से हमें सभी बाकरवड़ी को ऐसे प्रेस कर लेना है। इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करके अब हम बाकी की बची हुई बाकरवड़ी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो हमें ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है, फिर गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है, और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करोगे तो ये ऊपर से जल्दी से इसका कलर चेंज हो जाएगा, और अंदर से ये अच्छे से फ्राई नहीं होगी तो अच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा। तो बाकरवड़ी की एक बैच को फ्राई होने के लिए 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है। बाकी सारी प्रोसेस तो एकदम फटाफट हो जाती है, लेकिन इसी स्टेप को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको अच्छा सा टाइम देकर इसे फ्राई कर लेना है ताकि आपकी बाकरवड़ी भी एकदम क्रिस्पी बने। तो ये देखिए हमारी फर्स्ट बैच बनके रेडी है।
तो अभी इसी तरह हम सेकंड बैच को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी क्रिस्पी सी होममेड बाकरवड़ी बनके रेडी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में जो बेल आइकन है उसे ही प्रेस करना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।